फ्रेंड्स, अगर यदि आपका मोबाइल गुम जाता है या चोरी हो जाता है तब आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आप लोगों का मोबाइल जरूर गुमा होगा। अगर यदि आपके फैमिली फ्रेंड्स में से किसी का भी गुमा हो तो आपको ये प्रक्रिया जरूर करनी है। सबसे पहले आपको उस मोबाइल को IMEI बेस्ड ब्लॉक करना है, और मोबाइल मिल जाता है तो आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। कैसे ब्लॉक करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और देखिए, इससे फायदे क्या है। अगर यदि आपका मोबाइल गुमता है या चोरी होता है, कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी कि वह मोबाइल सिर्फ एक डब्बा बनकर रह जाएगा। और अगर यदि आप उस मोबाइल को प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसे दोबारा से अनलॉक कर सकते हैं और उसे यूज में ला सकते हैं। बिल्कुल भी देरी करते हैं, जल्दी से शॉर्ट में इसका तरीका जानते हैं। तो चलिए चलते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। आपको इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको तीन विकल्प मिलते हैं। पहला तो आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं, और यह डायरेक्ट IMEI नंबर के थ्रू ब्लॉक किया जाता है। अगर यदि आपका मोबाइल कोई चोरी करके बेचता है या फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये IMEI बेस्ड लॉक कर दिया जाएगा। गुमे हुए या चोरी हुए मोबाइल को लॉक करने के लिए आपको इस रेड वाले ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करना है। और अगर यदि आपका मोबाइल मिल जाता है तो अब आप उसे यूज करना चाहते हैं, क्योंकि बिना इसे अनलॉक किए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसे अनलॉक करने के लिए इस ग्रीन वाले विकल्प का चयन करेंगे, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। अगर आपका फोन मिल जाता है तो आप उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। और आप अपनी रिक्वेस्ट अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, अगर यदि मोबाइल गुम जाता है तो आप उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी सिम डली हुई है उसका नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सेकंड नंबर ऑप्शनल है, अगर यदि आप सिम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे भी दर्ज कर देंगे। EMI नंबर, जो मोबाइल का EMI नंबर होता है, आपको उस EMI नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है। दो EMI होते हैं, पहली सिम का और दूसरी सिम का EMI आपको दर्ज कर देना है। EMI फ्रेंड्स, अब मोबाइल गुम गया है तो कहाँ पर मिलेगा ये, आपको आपके मोबाइल के बॉक्स में आपको EMI नंबर मिल जाएगा। हो सकता है कि शॉपकीपर ने आपको EMI लिख करके दिया हो, मोबाइल बिल या मोबाइल बॉक्स में आपको EMI नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस ब्रांड में आप यहाँ पर ब्रांड कौन सा है, किस कंपनी का है, उसके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीवो में यहाँ सर्च करता हूँ तो वीवो मोबाइल यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पर दर्ज कर दूंगा। डिवाइस मॉडल कौन सा मॉडल है, जैसे कि मेरा वीवो का V11 Pro, यहाँ पर मैं V11 Pro दर्ज कर दूंगा। मोबाइल का परचेस इनवॉइस, आपने यहाँ से मोबाइल परचेस किया है, खरीदा है, वहाँ से आपको एक बिल मिला होगा, उस बिल को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल किस जगह से गुमा है, तो वहाँ का आपको एड्रेस या प्लेस डाल देना है, लैंडमार्क डाल देना है, किस डेट में गुमा है, और टाइमिंग आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर हम डेट का चयन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइम का चयन कर लेते हैं। टाइम के लिए नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसका टाइम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद स्टेट का चयन करना है, किस स्टेट में आपका मोबाइल गुमा है। डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, पुलिस स्टेशन का चयन करना है, पुलिस कंप्लेंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब ये कंप्लेंट नंबर कहाँ पर मिलेगा, आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर आपको मोबाइल गुम की रिपोर्ट दर्ज करवाना है, और आपको वहां से कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। जो भी आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसकी एक कॉपी आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको ओनर का नाम डाल देना है, जो कि बिल इनवॉइस में दर्ज हो। मोबाइल ओनर का एड्रेस दर्ज कर देना है। अपलोड आइडेंटिटी, ओनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स, इनमें से क्या चीज आप देना चाहते हैं उसका चयन कर देंगे। और जो भी आप आईडी चयन करेंगे उससे आपको यहां पर अपलोड कर देना है, और जो भी आईडी आपने यहां दर्ज की है उसका आईडी का नंबर यहां पर आपको दर्ज कर देना है। ईमेल आईडी अगर यदि हो तो दर्ज कर देना है, अन्यथा उसे छोड़ देना है। इस कैप्चर कोड को यहां पर फिल करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। मोबाइल पर आपको एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद इस बॉक्स को चेक मार्क करके सबमिट करना है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यदि आपने सेकंड हैंड मोबाइल लिया है तो यहां पर ओनर में सेकंड मोबाइल ओनर की ही जानकारी जाएगी, तो यहां पर आप सेकंड ओनर की जानकारी दे सकते हैं। और मोबाइल अपलोड परचेस में आप उसे PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट ओनर का इनवॉइस चला जाएगा, PDF के सेकंड पेज में आपने जिससे खरीदा है उसका लिखित में पूरी जानकारी वो चली जाएगी, तो आप उसका PDF या JPG बना करके दो पेज में यहां पर अपलोड कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट आईडी प्राप्त होगी, आप उसे कहीं पर दर्ज कर लें, क्योंकि आप उसके थ्रू स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिसे भी वह मोबाइल मिला हो, गुमा हो या फिर चोरी हुआ हो, वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वह IMEI बेस्ड लॉक्ड हो चुका है। अब अगर यदि आपको आपका मोबाइल मिल जाता है तो आप उसे कैसे अनलॉक करेंगे, उसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे
करेंगे अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो आपको रिक्वेस्ट आईडी अभी मिली थी जब आपने ब्लॉक किया था, उस रिक्वेस्ट आईडी को आपको यहाँ दर्ज करना है और वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपने अभी दर्ज किया था इसे ब्लॉक करते वक्त। यहाँ पर रीजन का चेंज करना है कि किस रीजन से आप इसे अनब्लॉक करना चाह रहे हैं। रिकवर्ड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा आपका मोबाइल खोज लिया गया है, या फाउंड बाय सेल, आपने खुद ही इस मोबाइल को खोजा है, या ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक, या फिर आपने धोखे से इस मोबाइल को ब्लॉक कर दिया था, या कोई अदर रीजन भी हो सकता है। फिर इस कैप्चर कोड को नीचे फिल करना है और यहाँ पर वह मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस पर ओटीपी आप लेना चाहते हैं। गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका वह मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर दी है मोबाइल ब्लॉक करने के लिए, आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है या नहीं, आपका मोबाइल ईएमआई बेस्ड लॉक हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपको रिक्वेस्ट आईडी प्राप्त हुई है उसे यहाँ दर्ज कर देंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली किसी वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।